वृष राशि वालों सावधान रहिए, आपके खर्चे आपकी आमदनी से बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इस विषय पे और अधिक चर्चा करेंगे अभी, उसके लिए आप आखिर तक हमारा यह वीडियो अवश्य देखते रहें। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपके नए ग्रह गोचर के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे? जैसा कि आप जानते हैं, ग्रह गोचर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। शनिदेव जी 11 तारीख से वक्री हो चुके हैं और साथ ही जो चंद्र देवता है वो स्वयं मकर राशि में आज प्रवेश कर रहे हैं। ओवरऑल जो ग्रह गोचर है, यानी ग्रह गोचर अगेन आपको समझाता हूं कि आसमान में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में विचरण कर रहा है। तो यहाँ मेष राशि में सूर्य और बुध ग्रह विचरण कर रहे हैं। वृष राशि यानी अपने ही घर में शुक्र देवता विराजमान है। मिथुन राशि में राहु महाराज विराजमान है। धनु राशि में केतु महाराज विराजमान है। शनि देव जी अपनी राशि में मगर वक्री हो चुके हैं कल से। बृहस्पति देवता इसी राशि में नीच के ऊपर विराजमान है और अभी यहाँ चंद्र देवता का भी आगमन हो चुका है शनि देव जी के घर में, यानी मकर राशि में चंद्रमा भी इस समय विराजमान हो गए हैं और मंगल देवता कुंभ राशि में इस समय पर विराजमान है। तो ये है आज की ग्रह गोचर की स्थिति। यहां मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों के बार बार अनुरोध के कारण हमने आपके लिए फ्री सर्विस के, जिसमें आपको आपकी परेशानियों के उपाय बताए जाते हैं, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका डिटेल जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप गूगल प्ले स्टोर से उस लिंक पर जाकर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें और जिन्होंने डाउनलोड कर रखी है उसे अपडेट अवश्य करते रहें, ताकि जो बार बार नई इनोवेशंस हो रहे हैं तो वो आपको फायदा पहुंचा सके। और उस ऐप के अंदर आप स्वामी प्रिंस ऋषि साधक या साधिका किसी से भी अपनी परेशानियों के डायरेक्टली उपाय जान सकते हैं। इसी में हम कुछ लोगों के साथ डायरेक्ट खुद भी कनेक्ट होते हैं या गुरु माँ भी कनेक्ट होती हैं, केस टू केस डिपेंड करता है हमें। तो आप इस मोबाइल ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सभी परेशानियों के डायरेक्ट उपाय जान सकते हैं और उन उपायों को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप हमसे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 12 मई 2020 विक्रम संवत 2077 पंचमी तिथि है कृष्ण पक्ष की वैशाख मास की। आसमान में उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र है। शुभ योग बना हुआ है। मंगलवार का दिन है और अभिजीत मुहूर्त 11:53 से लेकर 12:41 तक रहेगा, ये किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए। राहु काल शाम को 3:40 से लेकर 5:21 तक रहने वाला है। यह अशुभ समय होता है किसी भी शुभ कार्य को शुरू न करने के लिए। तो यहाँ मैं आपसे एक और जरूरी बात करना चाहूंगा कि आप लोगों की बदौलत हम लोग 14,80,000 से ज्यादा YouTube पर हमारे सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों और मित्रों से शेयर करें। तो प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल से। बात करते हैं वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति, आपके लिए मानसिक बल आपका बहुत बढ़ा हुआ है। उस बल का फायदा उठाकर आप अपनी परेशानियों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किंतु परिवारजन आपको न सिर्फ उलझन क्रिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर खर्चा भी करना पड़ सकता है। हाँ, बात करते हैं आपके भाई बहनों की। तो भाई बहन निश्चित रूप से आपको किसी यात्रा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं आपके भाग्य में बैठकर। तो आप अपनी यात्रा के संबंधित में सतर्कता पूर्वक निर्णय लें कि यात्रा करनी है या नहीं करनी।
अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। माता के साथ अपने संबंधों को खराब ना करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, अन्यथा आपको उनके ऊपर भारी खर्चा करना पड़ सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट का मन पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल विरक्त हो रखा है, या जो बार बार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या उन लोगों की जिनका अपने माता पिता से बहुत ज्यादा वाद विवाद रहता है, ऐसी सभी स्थितियों में जिसमें कि जो पहली स्थिति है कि आपका मेहनत करने के बावजूद अच्छे नंबर नहीं आते या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, इसकी तो हम आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं कि आप उपाय करेंगे तो गारंटी से हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगे। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपनी जन्म कुंडली या चेहरा दिखाकर, सबसे पहले उनको ये तो पता करना चाहिए कि उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। अगर मान लीजिए ये योग नहीं है तो आपको किसी दूसरी डायरेक्शन में मजबूत तो किया जा सके समय पर, कहीं ऐसा ना हो कि आपको समय ही निकल जाए। दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में 5-10% का भी सरकारी नौकरी का योग है, तो उस योग को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, ताकि आप मजबूत दावेदार बन सके गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के। या उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी संतान बार बार अपने माता पिता का अपमान करती है, तो चाहे संतान की उम्र 15 साल हो या 55 साल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में आपके और आपकी संतान के बीच में मधुर संबंधों को दोबारा बनाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, जो आपको साल में 1-2 बार ही करने होते हैं, उन उपायों के द्वारा आप अपने परिवार में उन्हें इन खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी कार्यों के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं हमारे, उन पर एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए, वीडियो कॉल के लिए, फोन कॉल के लिए, या स्वयं भी मिलने की अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, या चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं। और इन वैदिक उपायों को आप स्वयं आकर या पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहते हो, घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहाँ से। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, ये उम्र निकलती चली जा रही है, रिश्ते वाले आते रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसी सभी स्थिति में आपको समझ लेना चाहिए, अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है तो कहीं बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है। तो उस दोषों को दूर करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपको जरूर करने होंगे साल में 1-2 बार। इन उपायों के करने से आपके दोष धीमे धीमे करके दूर होंगे और आप एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर सकेंगे। तो इन उपायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक वीडियो कॉल, फोन कॉल या ईमेल स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर बुक करानी होगी। आप स्वयं आकर भी मिल सकते हैं और इन उपायों को घर बैठे या यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa, and I also have been on the local TV programs and newspapers, and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishi Ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online, and I've been to many of them, many spiritual leaders who I sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology. And that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him, and I meditate upon him, and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life, and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maharaj Rukmani Ji, I also was able to go forward. And also at Shani Peet, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen, because
even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guruma, it actually changed life a lot for me, because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings, and also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peeth at any point in time, because it's a place that you will definitely get genuine help. जिन लोगों की शादी हो गई है वो इस समय अपने जीवन साथी की वजह से न सिर्फ अपने कार्य धंधे में अच्छा कर सकते हैं अपितु उन्नति करने की तरफ अग्रसरित हो सकते हैं, जबकि नॉर्मल हालात में जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन तनावपूर्ण ही रहते हैं। किंतु यहाँ बात करना चाहेंगे हम उन दंपतियों के बारे में जिनकी संतान नहीं है, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। तो ऐसे दंपतियों से कहना चाहेंगे, यह समय अब दवाओं से ज्यादा दुआओं का है, तो आप दुआओं के माध्यम से अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास कीजिए, और ऐसी दुआओं के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप अपनी जन्म कुंडली या चेहरा दिखाकर वीडियो कॉल, फोन कॉल, स्वयं मिलकर या ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं, और छोटे छोटे वैदिक उपायों के द्वारा अपने जीवन में संतान रूपी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय आप पूरी दुनिया में घर बैठे कहीं भी मंगा सकते हैं या हमारे यहां से आकर प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं भाग्य के हालात की, तो भाग्य के जो हालात हैं वो आपको किसी यात्रा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ा सा भाग्य में परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, किंतु कार्यस्थल के हालात ठीक होने की वजह से आप उस चीज को सह सकेंगे, और साथ ही आपकी आमदनी जो है वहां पर भी थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि खर्चे बहुत अधिक हैं और आमदनी के रास्ते सीमित होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा वृष राशि वाली उन युवक युवतियों की जो प्रेम संबंधों में परेशान हो रहे हैं, ये उनका साथी उनको धोखा दे रहा है, या उनकी प्रेम संबंधों की बहुत समय गुजर जाने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही है, या उनके बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, या कोई उनका प्रेम को उनसे छीन रहा है। तो ऐसी सभी स्थिति में आपके जो प्रेम संबंधों में को दोबारा जीवित किया जा सकता है, दोबारा आपके प्रेम संबंधों को मधुर बनाया जा सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के कारण। तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, या पर्सनली मिलकर या ईमेल के द्वारा आप जैसे चाहें एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आप हमसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और हम आपकी जन्म कुंडली और आपका चेहरा देखकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, जिसमें किसी बकरे या मुर्गियों की बलि नहीं देनी है या उल्लू की बलि नहीं देनी है, ना कोई पूजा पाठ के नाम पर आपको कोई हमने कोई प्रपंच बनाना है कि आपको 2 लाख रुपए का पूजा का खर्चा आएगा या 5 लाख का खर्चा आएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपाय उनके द्वारा आपके जीवन में प्रेम संबंधी खुशियों को वापस लाने के लिए आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो ओवरऑल आपके ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए वृष राशि वालों में आज के लिए आपको 5 में से 1 स्टार देता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।